एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 अगेन सेम यू हैव टू कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन बट इन द क्वेश्चन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर गिवन बट फॉर कैलकुलेटिंग रैंक कोरिलेशन व्हाट डू यू नीड रैंक ऑफ एक्स एंड वाई इफ इट इज नॉट गिवन यू हैव टू असाइन द रैंक सो चेक द ऑब्जर्वेशंस एक्स द हाइएस्ट रैंक हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन इज 47 सो गिव फर्स्ट रैंक देन आफ्टर 47 इट्स 44 सेकेंड रैंक After 44, 43rd rank, then 35. After 35, students, it's 28. But 28 is 2 times, right students? So at 5th rank, there are 2 observations. Correct students? So I mean 1 ko 5th rank, maan leti hu, 1 ko 6th rank. Okay students? So 5th rank. प्लस सिक्स रैंक 5 + 6 = 11 एंड हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर 2 सो डिवाइड इट बाय 2 सो 5 + 6 = 11 डिवाइड बाय 2 यू विल गेट 5.5 असाइन दिस वेट टू बोथ ऑफ द ऑब्जर्वेशंस सो 5th एंड 6th रैंक गॉन नेक्स्ट यू विल असाइन 7th रैंक ओके एंड देन आफ्टर दैट सबसे छोटा जो लास्ट है दैट इज 8th rank. Clear students? Now in RY, सबसे बड़ा observation 45, first rank, then 41, second rank, then 38, third rank, then after 38, 30, you can see the fourth is 32. Right students? Fourth rank is 32. After 32, no, yes, here you have to check. Students, at 4th rank, there are 2 numbers. Correct, students? You have given 1st, 2nd, 3rd rank. 4th rank, pe 32 and 32 and 32. Oh, there are 3. Right, students? एट फोर्थ रैंक आप देख रहे हो कि 32 है बट 32 तो 1, 2, 3 बार है तो आप क्या करोगे एक को फोर्थ रैंक एक को फिफ्थ रैंक एक को सिक्स्थ रैंक मानो ओके एक फोर्थ एक फिफ्थ एक सिक्स्थ तो प्लस करो 4 + 5 + 6 4 + 5 = 9 9 + 6 = 15 एक फोर्थ रैंक एक फिफ्थ रैंक एक सिक्स्थ रैंक तीनों को क्या किया एड और ये कितने ऑब्जर्वेशंस हैं 15 तो 15 को 3 से डिवाइड करो एंड यू विल गेट 5 सो असाइन द रैंक 5 टू ऑल ओके स्टूडेंट्स 1 2 3 रैंक दिया एट फोर्थ रैंक यू विल गेट 32 बट 32 इज 3 टाइम्स तो 3 टाइम्स यानी एक फोर्थ एक फिफ्थ एक सिक्स्थ रैंक तीनों को प्लस कर दिया और 3 है तो 3 से डिवाइड किया 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 से डिवाइड करो 3 बार हो रहा है तो 3 से डिवाइड करो सो 4th 5th प्लस 6 प्लस किया 15 आया 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 से डिवाइड किया 15 डिवाइड बाय 3 5 सबको मैंने 5 रैंक दे दिया ओके सो एक 4th एक 5th एक 6th यानी अब नेक्स्ट रैंक कौन सा होगा स्टूडेंट्स 7th एंड आफ्टर दैट 8th इज इट क्लियर ओके Now simple, you have to find D. D means Rx minus Ry. Rx minus Ry. That you can do it simply. Okay, this is very simple. Last D square. 0.5 square, 1 square, 0.5 square, 1 square, 0 square. And then just simply do the total of all, you will get 5.5. Now students, your ranks are in average, that means observations are repeated, right? So the formula of rank correlation in this case will be 1 minus 6 sigma d square plus cf upon n, n square minus 1. Now here you have to calculate the cf, right? जस्ट चेक कौन से ऑब्जर्वेशंस रिपीट हो रहे हैं आप देख रहे हो एक तो 28 रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स और आप देख रहे हो दूसरा 32 रिपीट हो रहा है राइट स्टूडेंट्स अब आप ये देखो 28 कितनी बार रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स देखो
दो बार, दिस इज एम, और 32 तीन बार, राइट। नाउ सिंपली व्हाट यू हैव टू फाइंड, एम क्यूब माइनस एम डिवाइड बाय 12, ये आपको फाइंड करना है। जैसे यहाँ 2 है, सो 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12, दैट यू हैव टू सॉल्व। इन द सेम वे अगर एम 3 है तो 3 क्यूब दैट इज 3 3 9, 9 3 27, 27 माइनस 3 24, 24 डिवाइड बाय 12 2। यानी जहाँ m है वहाँ 2 पुट करके फाइंड करो, जहाँ m है वहाँ m की वैल्यू 3 पुट करके फाइंड करो। सिंपल ये आपका फॉर्मूला है, m 2 पुट किया ये आंसर आया, m 3 पुट किया ये आंसर आया, दैट यू कैन डू। सिंपल अब इन दोनों का टोटल करो, 2.5, ये क्या आया, ये आपका CF आ गया। नाउ 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर इज 5.5 एंड CF इज 2.5 एंड n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट दे आर 8, ओके। 1 माइनस 6 5.5 प्लस 2.5 यू विल गेट 8, हियर 8 स्क्वायर 64 माइनस 1, 1 माइनस 6 8s आर 48, ओके। हियर 8 64 माइनस 1 63, 8 इंटू 63 504। नाउ डिवाइड दिस टर्म, 1 माइनस 48 अपॉन 504, यू विल गेट 0.0952। नाउ 1 से माइनस करो एंड फाइंड द फाइनल आंसर 0.90।